छां की जरूरत है ना कि पां की। हमारे मुल्क को छां की जरूरत है ना कि पां की। ये मैं शेर नहीं मैं कह रहा है, वैसे बता रहा। तो पां से गुरेज करें और मुल्क को सायादार रखने में, छांव दार रखने में मदद करें। दरख्त लगाएं या बाजे पूजों से, इन चीज़ों से परहेज करें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है साकिब अलवी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अलवी व्लॉगर्स। तो सबसे पहले आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। मेरे बैकग्राउंड में कुछ आपको नॉइसेस भी आ रही होंगी क्योंकि हम इस वक्त मेन रोड के ऊपर खड़े हैं। तो अब चलते हैं मुजम्मिल भाई की तरफ। जी मुजम्मिल भाई, पाकिस्तानियों आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और ये एक आज़ादी एक नेमत है और इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद रियासत में पैदा हुए हैं। सियासी इख्तलाफात और ज़ाती इख्तलाफात की बुनियाद पे अपनी इस आज़ादी के इनाम को हमें नहीं भूलना चाहिए। इसकी खातिर हमारे बुज़ुर्गों ने लाखों जानों का नजराना पेश किया है। आज अगर वो अपनी जानों का नजराना ना पेश करते तो आज हमारी मसाजिद में अजानों की बजाय मंदिरों के घंटे बज रहे होते। हम इतना आज़ादी तरह जी रहे होते, आज हम वो एक साम्राज्य निज़ाम के नीचे होते जिसके हमले हिंदू और दूसरे हफ्ते हुक्मरानी कर रहे होते, क्योंकि हमारे दुश्मन ये सोच रखते हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत और फजल से हमारा मुल्क कायम हो जाए है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया है और हमारी अवाम इस तक थोड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन हमेशा हर वक्त ऐसा नहीं रहता। जहाँ अच्छे दिन गए बुरे दिन आए हैं, वहीं बुरे दिन भी गुजर जाएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। तो हमारी आवाम को अपने पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए। ये बहुत प्यारा मुल्क है, इस मुल्क की बहुत बड़ी दुनिया में खिदमात है और ये एक फलाही स्टेट है। चाहे साहब उसे बहुत से लोग ये इत्तफाक नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तानी आवाम फलाही कानून बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और इसका सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं दुनिया में ये माना जाता है। हम एक गयूर कौम है और हम एक कौम है और हमें मिलजुल कर पाकिस्तान की बढ़ोतरी के लिए, इसकी इस्लाह के लिए काम करना होगा और हमें पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करनी होगी कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो अब अच्छा होना चाहिए। बुरा वक्त पाकिस्तान ने देख लिया। हम इस जश्न आज़ादी के मौके पे उम्मीद करते हैं, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अब अल्लाह हमारे लिए कुछ बेहतर करने वाला है। वो कि हमें खुद कुछ ना कुछ बदलना होगा ताकि हम बदलेंगे तो हमारा पाकिस्तान बदलेगा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मैं भी कुछ यही कहने लगा था कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। पाकिस्तान दुनिया का तहाई खूबसूरत मुल्क है, लेकिन अब जैसा कि कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है, वो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान इसे भी निकलेगा। पाकिस्तान में बहुत कुछ है। कुछ लोग पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान में कुछ नहीं है, बस यहाँ से निकलो। नहीं यार, पाकिस्तान में बहुत कुछ है। बस मुश्किल वक्त यार हर किसी पे आते हैं। ये मुश्किल वक्त हमारी एक तो आजमाइश के लिए होता है, दूसरा हमें सिखाने के लिए होता है कि इन चीज़ों से कैसे फेस करना, इन चीज़ों से कैसे डील करना। अब मिसाल दूंगा आपको कि अगर कोई गिरे नहीं है, बच्चा गिरेगा नहीं तो वो संभलेगा नहीं। कभी भी बच्चा अगर गिरेगा नहीं तो वो संभलेगा नहीं। तो इसलिए जो गिरते हैं और गिर के फिर जो संभलते हैं वो भी तकदीर बदलते हैं।
बहुत मशहूर जुमला मैंने फेसबुक पे पढ़ा था कि जो पानी से नहाते हैं वो अपना लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो अपना लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो तकदीर बदलते हैं। तो हमने अपने मुल्क की अपनी तकदीर बदलनी है, ठीक है। और एक कुछ छोटे से एक हाँ चले आप पसीने से एक बात याद है कि साकिब साहब ने कहा जो पसीने से नहाते हैं वो तकदीर बदलते हैं। जी बिल्कुल, और आप पाकिस्तानी आवाम मेरा जहाँ तक ख्याल है बहुत पसीने से नहा ली है, बिल्कुल अब तकदीर बदलने का वक्त आ चुका है, बिल्कुल। और अभी यार वैसे ये छोटा सा व्लॉग है, ये अभी मैं निकला था, ऑफिस से निकला था, और अब तकरीबन आप ये देख ले 11 बज रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले ऑफिस से निकला हूँ तो मुजम्मिल भाई और मिल गया, तो उन्होंने कहा कॉल आई है कि चलो यार एक व्लॉग बनाते हैं। तो मेरा मूड तो नहीं था, मैंने कहा चलो यार जाके घर सुकून से सोते हैं। ये बताने का मकसद ये था कि ये व्लॉग छोटा सा व्लॉग होगा, ये बच्चों को ले लेते हैं ज़्यादा मैं कुछ नहीं ले लेके मैं एक मिनट जी, क्या नाम है बच्चे आपका? मोहम्मद, मोहम्मद जी आपका? इब्रार, इब्राहिम, और आपका? कयाम, जहरा, हयाम। अच्छा आज बच्चों कौन सा दिन है? इधर पास हो क्या हुआ था? पाकिस्तान बना था, और हम सबको पाकिस्तान की आज़ादी के दिन क्या करना चाहिए? एक अच्छे दिन को अच्छे अंदाज में मनाना चाहिए। हाँ, कोई पैगाम देना चाहें आप? हाँ बच्चे, आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ वैसे अच्छा, समझ आ गई होगी। जाते जाते एक छोटा सा मैसेज, वो ये कि हमारे मुल्क को छां की ज़रूरत है ना कि पां की, हमारे मुल्क को छां की ज़रूरत है ना कि पां की। ये मैं शेर नहीं कह रहा है, वैसे बता रहा हूँ। तो पां से गुरेज करें और मुल्क को सायादार रखने में, छांवदार रखने में मदद करें। दरख्त लगाएं या बाजे पूजों से, इन चीज़ों से परहेज करें। जी नमल भाई, यार हमारी बुद्धि शरीफ में कुछ अजीबो गरीब सी लाइटें आ रही हैं, चलें बोलो। ये बच्चों की हद तक तो एक शौक है, लेकिन बड़े करते हुए अच्छी अच्छे नहीं लगते। और कोशिश करें कि ऐसी जगह पे ये हल्ला गुल्ला करें जहाँ पे बुजुर्ग हजरात, वो हजरात जो इसे डिस्टर्ब हो रहे हैं वो ना हो, ताकि आपके इस इंटरटेनमेंट की वजह से किसी की तकलीफ का बाइस ना बने, किसी की तकलीफ का बाइस ना बने। बाकी रहे पाकिस्तानी आवाम के लिए पैगाम, वो यही है कि ये पाकिस्तानी मुश्किल वक्त है। एक मिनट,
ये देखे जी, ये ट्रैक्टर पे जा रहे हैं और ये पाँ पाँ कर रहे हैं। जी मुनव्वर भाई, आप बात करें। ये पाकिस्तानी मुश्किल वक्त है ना, हो परेशान पाकिस्तानी मुश्किल वक्त है ना हो परेशान, ये पाकिस्तानी मुश्किल वक्त है ना हो परेशान, बस याद रख ला इलाहा के कलमे पे बना है ये हमारा पाकिस्तान। जिंदाबाद, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ आज का अपना व्लॉग एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह भी ले लो, चले लेते।